इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और टोक्यो ओलंपिक से पीवी सिंधु की शानदार जीत की खबर आ रही है, तो ओलंपिक से एक और अच्छी खबर, सेमीफाइनल में पीवी सिंधु पहुंच गई है, यानी कि भारत के लिए उम्मीद और बढ़ गई है कि भारत के खाते में एक और मेडल आ सकता है। सेमीफाइनल में पीवी सिंधु पहुंची, उन्होंने जापान की खिलाड़ी को मात दी है, वो भी बेहतरीन खिलाड़ी मानी जाती है, लेकिन जिस तरह से पीवी सिंधु अपना परफॉर्मेंस दे रही है उससे तो जाहिर होता है कि बैडमिंटन के फीमेल मुकाबले में, वुमेन मुकाबले में एक ओलंपिक से मेडल आ सकता है। तो सिंधु ने शानदार ये जीत हासिल की है टोक्यो से, लगातार आज सुबह से अच्छी खबर आ रही है। और लवलीना ने, जिन्होंने बॉक्सिंग में एक मेडल पक्का कर दिया है भारत के लिए, तो अब उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे जो स्टार हैं बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु, वो भी इस मुकाबले के बाद जो दूसरे मुकाबले में खेल जाएंगी, वो सेमीफाइनल में अच्छा परफॉर्म करें, उसके बाद वो फाइनल में जाएं और भारत के लिए गोल्ड जरूर लेकर आएं, ये हर किसी की उम्मीद है। तो एक और अच्छी खबर आ रही है, और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी हमारी फीमेल कंटिंजेंट्स हमारी जो गई हैं, यानी कि जो वुमेन हमारे एथलीट्स हैं या प्लेयर्स हैं, वो लगातार इसी तरह से जीत की खबर हम तक पहुंचा रहे हैं, मेडल्स जीत कर ला रहे हैं, मेडल्स पक्का कर रहे हैं। उसमें एक और नाम आपको बता दें, पीवी सिंधु का जुड़ गया है, जिन्होंने अब एंट्री कर ली है सेमीफाइनल में। तो ये शानदार खबर आ रही है और बहुत ही अच्छी खबर कि फाइनल तक अब रास्ता मुझे लगता है कि पीवी सिंधु के लिए आसान हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो सेमीफाइनल जीती और वो पहुंच गई फाइनल में, तो एक मेडल तो और पक्का हो ही जाएगा। उम्मीद हमें करते हैं कि पीवी सिंधु गोल्ड मेडल लेकर आए, और ये अच्छी खबर आ रही है कि उन्होंने टोक्यो में जापान की खिलाड़ी को मात देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पीवी सिंधु, जिन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई है, आज उनका मैच था, और इस मैच के बाद ये बड़ी अच्छी खबर आई है कि सिंधु ने जीत दर्ज की है। तो 2-0 से उन्होंने जीत हासिल की है पीवी सिंधु ने, यामागुची को उन्होंने हराया है, और यामागुची को हराकर उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और इससे पहले उन्होंने तो बैडमिंटन के सेमीफाइनल में जगह, तो आपको बताएं कि पीवी सिंधु ने जबरदस्त खेल दिखाते हुए जापान की खिलाड़ी यामागुची को हराया, और यामागुची को हराने के बाद उन्होंने जीत हासिल की है और वो सेमीफाइनल में पहुंच गई है। और उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि पीवी सिंधु अब आगे इसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए फाइनल तक पहुंचे और फाइनल में वो जीत हासिल करें। तो दूसरे मुकाबले में चेंग मयान यू को उन्होंने हराया था दूसरे मुकाबले में, और राउंड ऑफ 16 में उन्होंने क्वार्टर फाइनल में यामागुची को उन्होंने शिकस्त दी है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।